my channel, The Wandering Raga, from Kaap Valley, we are going towards Nako village. We will be seeing the Nako monastery and the very famous Nako lake. So let's all enjoy the journey to Nako. And if you have not subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button now. Nako is a village in the Himalayas of North India near the Indo-China border in Kinnaur district in Himachal Pradesh. It lies in the sensitive restricted zone along the border with Tibet, which requires an inner permit to travel. Inner permits can be got issued from Rekongpio or Kaza or Shimla, and they are valid for 14 days only. जा रहे हैं हम लोग, इसको वैल्यू व्यू पॉइंट है, ये इको पॉइंट भी लिखा था, लेकिन हम लोग ट्राई नहीं किए कि इको होता है या नहीं। होता होगा क्योंकि वैली काफ़ी डीप है, इको हो ही सकता है। वैसे नाम तो है इको पॉइंट। यहाँ काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरे एरिया में चौड़ा किया जा रहा है रोड को। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, पूरा रास्ता मैं देखती आ रही हूँ कि रोड चौड़ाई का काम चल रहा है। सामने वाले ट्रक में पूरा पत्थर वगैरह काट के लेके जा रहे हैं। से पूरे किन्नौर में काम चल रहा है क्या? पूरे मैं तो वहाँ पूरे हिमाचल में अच्छा काम चल रहा है रोड का, पूरा रास्ता मैं देखती आ रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। Nako is at an elevation of 3625 meters, that's nearly 11,900 feet, in the Hangrang Valley with Rio Purgyal in the backdrop, which height is about 22,360 feet, the second highest mountain in Himachal Pradesh. Access to Nako is from a narrow road of 7 kilometers from NH22. It is 117 kilometers away from Kalpa. Apples and sun-dried apricots are the agricultural produce from this village. Features of Nako village is the 1100 years old Nako monastery and the Nako lake. बहुत ही पतला रोड है, बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है ना? छोटी गाड़ी के लिए।
जी हम लोग आ गए नाको। छोटा सा जगह है, छोटी छोटी दुकानें हैं, वेरी स्लीपी हैमलेट। और ये लेक, इस तरफ जाना पड़ेगा, मून लेक रेस्टोरेंट, यहीं से जाना पड़ेगा। ये देखिए इन पत्थरों में ना कुछ टिबेटन मंत्रा लिखे होते हैं, कितना सुंदर डिजाइन। कुछ मंत्राज हैं जो मुझे मालूम नहीं है। प्रेयर व्हील्स हैं, घुमा देना चाहिए ना, आई हूं तो। ये लेक कितनी दूर है, लेक कितनी दूर है, 100 मीटर। ओके, कह तो रहे हैं 100 मीटर है, पहाड़ों में अगर 100 मीटर बोलते हैं तो कुछ ज्यादा ही निकल जाता है। ये यहाँ स्टेप फार्मिंग कर रहे हैं, ये देखिए सीढ़ीदार खेती। यहाँ सभी घरों में देखिए वो टिबेटन फ्लैग्स लगे हुए हैं। घर कम है लेकिन हर घर की छत पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलते चलो चलते चलो, 100 मीटर तो खत्म नहीं हुए, आगे देखते हैं कहाँ तक जाना पड़े। बैकड्रॉप देखिए कितना सुंदर है ना दोस्तों, सुंदर जगह है। कहाँ है, एक तो स्टीप नेचर कैंप नाको दोस्तों। ये देखिए पीछे से मैं आ रही हूँ नीचे चढ़ चढ़ के, और ये बैकड्रॉप नाको विलेज। अब देखते हो लेक कहाँ पर है। गाइस देयर आर सो मेनी स्टेप्स डाउन टू द लेक, हैव टू क्लाइंब डाउन एंड देन क्लाइंब अप अगेन एंड आई कांट सी एनी वाटर। करते हैं, जाइए बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ जा ही रही हूँ, आए हैं तो जाएंगे। कुछ नहीं है, देखते हैं फिर भी आए हैं तो। पानी नहीं होगा, दौड़ते दौड़ते उतर के तो आ गई, बट चढ़ने के टाइम ना दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए आसपास का, दिस इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। आई थॉट कि लेक है तो पूरा पानी तो होगा ना। गाइज दिस इज नाको लेक, दिस इज एन ओवल शेप्ड लेक सराउंडेड बाय माउंटेन्स, वैली एंड विलेज। दे से इट्स इट गेट्स फ्रोजन इन विंटर एंड बिकम्स अ हब फॉर आइस स्केटिंग। It is quite a picturesque place, although much water is not there, but it attracts many people from very distant places. Guys, so many steps. एक तो पानी दिखा नहीं, छोटा सा पोखर लग रहा था, लेक तो कहीं से लग नहीं रहा था, and now so many steps up. लेक में पानी नहीं रहता है, लेक में पानी नहीं रहता है। जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। नहीं पानी हमेशा इतना कम रहता है, अच्छा घर गया ना, तो अभी बर्फ जम जाएगा बर्फ पड़ने से। अच्छा क्या, अच्छा स्केटिंग करेगा, अच्छा जम जाता है ऊपर चलेगा। अरे वाह, इसमें ओम मणि पद्मे होम लिखा है, सब ले लिया है। तब ये लोग नहीं बैठे थे तो अभी ये लोग। जय राम जी।
Nako Monastery is open for the public, but the old one is closed. As we came out of Nako village, a slight drizzle started, and now it's a long way to Kaza. We are now on our way to Kaza. I think maybe by night or late evening we will reach Kaza. It's a long way off from here. It's about 111 or 12 kilometers from Nako, and I think it will take us somewhere between 3.5 hours to 4 hours to reach Kaza. So friends, we will meet at Kaza next. In the meantime, take very good care of yourselves and don't forget to subscribe to my channel. Goodbye.